এবাৰ ৰাজনীতিৰ খবৰলৈ আহিছো। দিল্লী চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ। 30 মে'ত মোদী চৰকাৰে শপত লোৱাৰ সম্ভাৱনা। 26 মে'ত NDA নেতৃত্ব সাক্ষাৎ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক। অভূতপূৰ্ব বিজয়ৰ পাছতে এতিয়া চৰকাৰ গঠনৰ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে NDA। আৰু এই জয়ৰ পাছতে বিজেপিৰ পিতামহ আদবানী সাক্ষাৎ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লালকৃষ্ণ আদবানীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লালকৃষ্ণ আদবানীৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু লগতে জ্যেষ্ঠ নেতা মুৰলী মনোহৰ যোশীকো সাক্ষাৎ কৰিলে মোদীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীক এই সময়ছোৱাত সংগ দিছে অমিত শ্বাহে। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এই জয়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছে বিজেপিৰ পিতামহ লালকৃষ্ণ আদবানী। আৰু বাসগৃহত এয়া দেখা পোৱা গৈছে, লালকৃষ্ণ আদবানীৰ বাসগৃহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ জ্যেষ্ঠ নেতা মুৰলী মনোহৰ যোশীকো সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক এই সময়ছোৱাত সংগ দিছে অমিত শ্বাহে। अपने वयोवृद्ध लोगों के साथ, चाहे वो पार्टी में हो या व्यापक परिवार हो जो अपना, उसमें सबसे जाकर उनकी शुभकामनाएं लेते हैं और जो कुछ किया गया है उसके लिए भविष्य में और अधिक तेजी के साथ, शक्ति के साथ काम कर सकें, इसके लिए उनकी शुभकामनाएं लेते हैं। तो उसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी आए थे। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और एक करिश्माती जीत हासिल की है। हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, बीज लगाया था, उसमें एक अच्छा पेड़ भी पैदा किया था। अब ये फलदायी पेड़ इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है जो लोगों को फल देगा। और हमने यही कहा कि अब इसके फल सारे देश को अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट दिलवाना, ये भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट थी कि देश के सामने एक मजबूत सरकार बनाने का, दृढ़ सरकार बनाने का एक की आवश्यकता सारा देश महसूस करता है। तो उसके लिए सिवाय भारतीय जनता पार्टी पार्टी के नाते और नरेंद्र भाई एक नेता के नाते कोई दूसरा विकल्प नहीं था जी। और विपक्ष कोई अपनी कहानी, मनभावनी कहानी सुना नहीं पाया। देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं तो जो करता रहा हूं आज तक वही करता रहूंगा। बाकी पार्टी क्या करना चाहती है वो तो पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का। जी, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? आई हैव माय ओनली वन एक्सपेक्टेशन दैट द पार्टी शुड डिलीवर एज बेस्ट एज पॉसिबल।